जो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ पा रही है, तमाम दर्शकों को बता दें, स्वामी चिन्मयानंद को यहां पर बड़ी राहत मिल चुकी है। छात्रा से रेप के मामले में कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर केस में यह बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिल चुकी है। छात्रा से रेप के मामले में कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया है। यौन शोषण मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया गया है। तो शाहजहांपुर लॉ कॉलेज की छात्रा से रेप के मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को अब कहीं ना कहीं राहत मिल चुकी है। एमपी एमएलए कोर्ट से बरी हो चुके हैं। वहीं स्टूडेंट की तरफ से 5 करोड़ रुपए के रंगदारी मामले में सभी आरोपी दोष मुक्त करार दिए गए हैं। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर रेप केस में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अमेठी से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, इस मामले में आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की मुमोक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई। एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया और अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है, छात्रा से रेप के मामले में स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिल चुकी है क्योंकि कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर 2019 में उन्हीं के ला कॉलेज की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न के मामले में लखनऊ हाई कोर्ट ने आज उनको बरी कर दिया है। साथ ही आरोप लगाने वाली छात्रा द्वारा चिन्मयानंद के से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में भी हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने वीडियो जारी करके चिन्मयानंद के केस से बरी होने की जानकारी भी दी है। उनका कहना है कि कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को दोष मुक्त कर दिया है। दरअसल चिन्मयानंद के उन्हीं का ही एक ला कॉलेज था जिसमें 22 अगस्त 2019 को एक वीडियो वायरल किया गया था एक छात्रा ने, जिसमें उसने चिन्मयानंद से अपनी जान का खतरा बताया था। इसके बाद छात्रा जो है लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने उसके चिन्मयानंद के खिलाफ ही कोर्ट थाने में तहरीर दी थी। उस जो है अपने बेटी के खिलाफ मतलब उनको जो है अपहरण और जान से मारने की धमकी का मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिस पर जो है उनको गिरफ्तार की गई थी और लगातार इस पर बहस चल रही थी, जिस पर आज जो है उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। राजकुमार, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, इसके पहले भी फरवरी 2020 की अगर बात करें तो चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा किया गया था और इसके बाद जिस तरह शाहजहांपुर से लखनऊ की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में जो मुकदमा है वो ट्रांसफर किया गया था और अब जिस तरह से इस मामले पर फैसला सुनाया गया है एमपी एमएलए कोर्ट ने और कहीं ना कहीं इनको राहत तो मिली है, क्या रंगदारी मामले के जो सभी आरोपी हैं उनको भी दोष मुक्त कर दिया गया है? जी, हम आपको बताएंगे, ये जो है 29 अगस्त 2019 का जो रंगदारी मांगने का जो मुकदमा ला कॉलेज छात्रा के द्वारा कराया गया था और उसके दोस्त के ऊपर जो है कराया गया था, जिसमें 3 दोस्त थे, संजय, सचिन और विक्रम, वो भी आज जो है उनको भी उसे काफी राहत मिली है, उनको भी बरी कर दिया गया है। जी ठीक है, धन्यवाद राजकुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है, छात्रा से रेप के मामले में अब कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।